कई सारे पीएफ मेंबर्स के पीएफ क्लेम केवल इसी वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वो जब अपने बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक का फोटो अपलोड करते हैं तो वो सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं, या तो उस पासबुक या फिर चेकबुक की फ़ोटो सही ढंग से नहीं खींच पाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं जब अपने किसी दोस्त का पीएफ क्लेम करने जाता हूं और उनसे मैं उनकी बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक की फ़ोटो मांगता हूं कि आप व्हाट्सएप में या फिर ईमेल में भेज दीजिए, तो वो कुछ इस तरीके से अपने चेकबुक या पासबुक की फ़ोटो खींचते हैं और भेजते हैं मेरे पास कि उनसे कम से कम 4 से 5 बार जो है मुझे फ़ोटो मंगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो सही फ़ोटो भेज पाते हैं और मैं क्लेम कर पाता हूं। तो आप में से भी कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको फोटो खींचने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने बैंक की चेकबुक या फिर पासबुक की सही तरीके से फोटो खींच कर उसे अपलोड कर सकें पीएफ क्लेम करते समय। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीएफ क्लेम करने के लिए आपकी बैंक की पासबुक और चेकबुक में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ये पासबुक भी है और एक ये जो है चेकबुक भी है। तो दोनों में ही क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो देखिए, फ़िलहाल के रूल के हिसाब से आपकी बैंक की पासबुक में आपके जो फ्रंट पेज होती है इस तरीके से, तो यहां पर जिसमें आपकी नाम अकाउंट नंबर वगैरह रहती है उस पेज की आपको फ़ोटो अपलोड करनी रहती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड जो बैंक का होता है और आपका नाम, ये तीन चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे क्लियर से दिखती हैं। और इसके अलावा आपके बैंक की सील लगी होनी चाहिए। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये बैंक की जो है सील लगी हुई है और साथ ही साथ सिग्नेचर भी हैं। तो सील और सिग्नेचर भी अभी के टाइम पर जो है ज़रूरी हैं अगर आप पासबुक की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तब। तो पासबुक की फ़ोटो में क्या क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम और सील और सिग्नेचर। नाम वही होना चाहिए जो आपके पीएफ अकाउंट के प्रोफाइल में है। उसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप चेकबुक अपलोड कर रहे हैं तो चेकबुक का फ़ोटो कौन सा अपलोड करना है, देखिए जहां पर आपकी चेक रहती है सिंपली इसे आप कैंसिल कर सकते हैं या तो फिर बिना कैंसिल किए भी अपलोड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चेक अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी अकाउंट नंबर ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर की ओर रहता है आईएफएससी कोड, और यहाँ पर दोस्तों प्लीज साइन अबव जहाँ लिखा रहता है तो यहाँ इसके ऊपर आपका नाम जो है प्रिंटेड होना चाहिए। कई सारे चेकबुक ऐसे होते हैं जिसमें नेम प्रिंटेड नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका नाम भी प्रिंटेड होना चाहिए। तो पहला चीज़ आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। तो इस तरह का चेकबुक का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ किस तरीके से आपको पीएफ क्लेम करने के लिए पासबुक या फिर चेकबुक का फ़ोटो खींचना है। तो देखिए, आपके पास पासबुक या फिर चेकबुक जो भी है आप उसे इस तरीके से ले लीजिए और सेम इसी दिशा में इसी तरीके से आपको अपना मोबाइल भी लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि आप पासबुक को इस तरीके से रख देंगे और फोटो को इस तरीके से खींचेंगे, तो जब उस फोटो को आप साइज कम करेंगे क्योंकि 500 KB तक का ही मैक्सिमम आप फोटो अपलोड कर सकते हैं पीएफ क्लेम करते समय, तो उसकी क्वालिटी और ख़राब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। उसमें अकाउंट नंबर, नेम वगैरह सही तरीके से नहीं दिखते हैं। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके क्लोजअप फोटो लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस तरह का आपका पासबुक है उस तरीके से आपको फ़ोटो भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर पासबुक ले लिया, ये फ्रंट पेज जो है ये हो गया, तो इसको इस तरीके से रखता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा कैमरे में भी। तो इस तरीके से जैसे रखा हूँ, अब देखिए आपके पासबुक को आप इस तरीके से रख सकते हैं क्योंकि आपको इसी पेज का फ़ोटो लेना है, या तो फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, आपको जैसा भी कंफर्ट यहाँ पर महसूस हो उस तरीके से आप रखिए। और आपको केवल यहाँ पर इस पेज का फ़ोटो लेना है, जो फ्रंट पेज है इसी पेज का फ़ोटो लेना है, ना कि इस पेज का। यहाँ पर भले ही फ़ोटो है लेकिन जो है ये फ़ोटो इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर सील और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारे इस पेज में भी सील और
सिग्नेचर है, इसलिए इसी पेज का फोटो लेंगे ताकि जो है यहाँ पर सारी डिटेल क्लियर तरीके से देख सके। अगर आपकी यहाँ पर सील और सिग्नेचर नहीं है और यहाँ पर है तो आप इस पूरे पेज का फोटो लीजिए। मोबाइल को भी मुझे इस तरीके से रखना है, पूरा सेम टू सेम इसी मूड में। तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट पासबुक के ऊपर देखिए मेरा मोबाइल रखा हुआ है। अब इसका मैं मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेता हूँ और यहीं से इस तरीके से ऊपर उठाना है, जस्ट पासबुक के ऊपर ही। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है ताकि सारी डिटेल सही तरीके से कैप्चर हो सके, और सब चीज़ सही आ जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका फोटो ये खींच जाएगा और इस फोटो में आपकी सभी डिटेल पूरे क्लियर तरीके से विजिबल होंगी। आपकी अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड वगैरह जो भी है तो पूरी तरीके से विजिबल होंगी। और PF ऑफिस के जो ऑफिसर होते हैं जो आपकी क्लेम को प्रोसेस में लेंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आपकी क्लेम पासबुक या फिर चेकबुक की वजह से कभी रिजेक्ट नहीं होगी। अब अगर आपका पासबुक इस तरीके से है तो आप जो है इसको ऐसे लीजिए, मोबाइल को भी इसी तरीके से रखिए और ऐसे करके फोटो खींच लीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका फोटो इसमें भी सही तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों एक बार फोटो खींच लेने के बाद देखिए जब आप अपने मोबाइल से कैमरे से फोटो खींचते हैं तो उसकी साइज काफ़ी बड़ी साइज की होती है, 3 MB, 5 MB, 10 MB तक की होती है। तो उस साइज को आपको जो है सबसे पहले कम करना होगा, 500 KB से कम का बनाना होगा, तभी जाकर आप PF क्लेम करते समय उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक ऐप का नाम बताया था, क्यू रिड्यूस लाइट ऐप। इससे सिमिलर और भी बहुत सारे ऐप होंगे लेकिन यहाँ पर जैसे कि इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करके उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपको अपलोड करना है। तो उस बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक की फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर 500 KB से कम की साइज एंटर कर लेनी है ताकि आपको उस साइज की फोटो मिल जाए। और सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये आपको उसी साइज में फोटो दे देगी और 500 KB से कम की साइज आपकी बन जाएगी। और इस तरीके से आपकी फोटो भी क्लियर होगी और उसकी साइज भी 500 KB से कम हो जाएगी जिसे आप अपलोड कर सकते हैं यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से PF से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।